सो आ गए फिर से बाबा जी का चैनल पे। अच्छा है, अरे बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ मेरा एक प्यारा सब्सक्राइबर के साथ वन वर्सेस वन, यानी कि रफी ब्रो के साथ। सो यहाँ पे देखो, मैंने चॉइस कर लिया है आजुमारिल, और देखते हैं रफी ब्रो कौन सा पोकेमोन जो है चॉइस करते हैं। आजुमारिल, यू नो गाइस, मेरा फेवरेट पोकेमोन है। सो इसी से मैं खेलने वाला हूँ धमाकेदार। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बाय गॉड, रफी ब्रो यहाँ पे म्यूस कनाडा चॉइस किया है। चलो कोई बात नहीं, बाय द वे म्यूस कनाडा रफी ब्रो का फेवरेट पोकेमोन है और मेरा फेवरेट पोकेमोन है आजुमारिल, यानी कि दोनों ही अपना अपना फेवरेट पोकेमोन लाया है। और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है। मैं ना मैच का स्टार्टिंग में एक स्पॉइलर देने वाला हूँ आप लोगों को, लास्ट तक देखना मैच क्या मैनिपुलेट हुआ है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या ही मतलब धमाका हुआ है मैच में। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे अपना ना पॉइंट इंक्रीज कर रहा हूँ, जिससे मेरा लेवल भी अप हो रहा है, और मैं यही करूँगा लेवल 4 तक। चलो सब लोगों को फटाक से मार देता हूँ मैं यहाँ पे, मर जाओ यार जल्दी। लो भैया जी, और मर गए यहाँ पे, लेवल यहाँ पे 3 का हो चुका हूँ मैं। लो भैया जी, मर जाओ मर जाओ मर जाओ, जल्दी से मर जाओ। आजुमारिल से मैं खेल सकता हूँ यार, मैं तगड़ा वाला खेल सकता हूँ आजुमारिल से। यार बाय द वे, मैंने ये पोकेमोन ना नया नया परचेस किया है, मतलब मेरा फेवरेट है इसलिए परचेस किया है। अभी देखो एक्वा टेल आ चुका है, अभी चलते हैं सीधा रफी ब्रो के पास। रफी ब्रो अपन आ रहे हैं यहाँ पे, लेवल 4 का हो चुका है, अभी रफी ब्रो के पास चलते हैं। और रफी ब्रो को मतलब थोड़ा सा धूल तो चटाना होगा बॉस। किधर गए रफी ब्रो? ये रहा, अभी देखो धर देंगे यहाँ से। आ जा यार, ये ले और ये ले और यहाँ पे। अबे यार भाई, स्कोर प्लस कर दिया ये, कोई बात नहीं। अबे गायब किधर से हो गया? ओ माय गॉड यार, चलो पीछा करते हैं इसका थोड़ा सा। ये एक स्पीडस्टर है, यानी कि भाग सकता है बहुत तेजी नाल। चलो तेजी नाल भाग रहा है ये बंदा। ओ ओ शिट, बच गया बच गया। और मैंने भी यहाँ पे गाइस स्कोर प्लस कर दिया, लवली। चलो चलो भाई, रफी ब्रो मेरे साथ जो किया मैंने भी सेम टू सेम रफी ब्रो के साथ वही किया है, यहाँ पे स्कोर प्लस कर डाला। चलो और यहाँ पे, अबे नहीं यार, शिट 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 शिट। देखा, दो प्रो के बीच में जब पूरा लड़ाई चलते है तब क्या होता है भाई, यहाँ पे मरने वाला है। मर गए, लवली यार। चलो अभी 7 पॉइंट जो है यहाँ पे प्लस कर देंगे, गोल कर देंगे। अभी फटाफट इन लोगों को मार के ना फटाक से मुझे ना और भी ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करना होगा। चलो वाटर पल्स ले लेंगे हम लोग। मेरा ओपोनेंट रफी ब्रो को कम मत समझो यार, वो मास्टर प्लेयर है, समझ गए ना, उसको ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैं बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजी के साथ मार रहा हूँ उसको, क्योंकि आप लोग लास्ट तक देखो, मैंने तो स्पॉइलर देख ही रखा है लास्ट में क्या मैच मैनिपुलेट हुआ यार, भाई चुम्बेश्वरी मैच मैनिपुलेट हुआ। चलो भाई फिर से आ गया रफी ब्रो यहाँ पे, ये ले भाई और ई लो और ई लो। अबे 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 बंदा किधर गया? चलो अबे गायब हो गया, मैंने सोचा मर गया, अबे बंदा गायब हो गया। मैंने भी यहाँ पे इजेक्ट बटन का यूज़ कर दिया। चलो इसको धोते हैं थोड़ा सा, आ जा आ जा, और यहाँ पे आ जा फिर से। यहाँ पे रफी ब्रो को धोने के लिए चलते, आ गया एक्वा टेल और ई लो। अबे बंदा भाग रहा है यहाँ पे, ले भैया और यहाँ पे ले भैया। ओ माय गॉड, क्या स्पीडली भागता है भाई ये। चलो मेरे सामने गोल कर दिया इसने, मुझे बहुत डाउन दे रहा है बे, मेरे सामने गोल करके, पर इसको नहीं छोड़ूंगा मैं इस बार। ये ले, समझ में आया ना, एक्वा टेल का लास्ट अटैक से कोई भी नहीं बच सके है, समझ गए रफी ब्रो। और यहाँ पे जल्द से जल्द इसको मार के अपन सीधा स्कोर प्लस कर डालेंगे यहाँ पे। ये लो 21 पॉइंट को हम लोग गोल कर देंगे, लवली। आ जाओ अभी फटाक से 10 पॉइंट को ले लेते हैं। इस गेम प्ले में मैंने टोटल 3 गलती किया है, और उसी गलती के वजह से मुझे मतलब भुगतान भी देना पड़ा। वो 3 गलती मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर से करूंगा। मेरा पहला गलती ये हो गया, रफी ब्रो को मारने के बाद मैं यहाँ पे 10 गोल तो प्लस कर लिया, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली चला गया रेजिया इसको मारने के लिए। पर मुझे जाना चाहिए था एक्चुअली मैं रेजिया को मारने के लिए टॉप पार्ट वाला, क्योंकि वहाँ पे रफी ब्रो भी होगा तो मैं घास पे छुप सकता था इजीली, और लास्ट में मैं रेजिया का पॉइंट भी चोरी कर सकता था। पर यहाँ पे मैं जब तक रेजिया इसको मार रहा हूँ तब तक उसने भाई मार दिया, रेजिया को मार दिया। मेरा पहला गलती ये हो गया, अगर मैं रेजिया का पॉइंट चुरा लेता तब मैं इजीली रफी ब्रो को डोमिनेट कर सकता था, हम दोनों मिलके, मतलब मैं और रेजिया मिलके। पर यहीं पे पहला गलती ये हो गया। अभी मैंने रेजिया इसको तो मार दिया, मार के बिंदा से गोल करके बेस बेस तोड़ के अपन जा रहे हैं सीधा यार रफी ब्रो के पास, और यहीं पे देखो क्या हुआ मेरे साथ। चलो आ जाओ रफी ब्रो, किधर गए यहाँ पे रफी ब्रो? अरे रफी ब्रो। एंड थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को सेकेंड एंड थर्ड जो गलती किया है मैंने उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं, वीडियो पे बने रहो यार। तो यहाँ पे 2 बनी को मारने के बाद मैं चला गया रफी ब्रो को ढूंढने, पर रफी ब्रो मेरे सामने घास में छुपा हुआ था।
और अभी क्या होगा, इजीली मेरा बेस को तोड़ डाला। यहाँ पे अपन ने यूनिट मूव का यूज इस्तेमाल किया है, रफी ब्रो ने भी सेम टाइम में अपना यूनिट मूव का इस्तेमाल किया है, पर ये पोकेमोन गायब हो जाता है यही तो डर लगता है। और मैंने यहाँ पे इजीली बीट कर दिया रफी ब्रो को। चलो ठीक है, आप लोग अभी सोच रहे हो कि मास्टर वाला प्लेयर ऐसे मर रहा है, नहीं भाई नहीं, अपन भी प्रो है, समझ गए ना, अपन भी प्रो है, अपन भी कम नहीं है किसी से, बाबा जी प्रो है ब्रो, बाबा जी के साथ टक्कर नहीं ब्रो। सो इसको मारने के बाद टोटल 26 पॉइंट हो चुका है मेरा, और उसी के साथ मैं यहाँ पे पहला गोल कर देता हूँ, मतलब इस बेस पे। फिर रफी ब्रो यहाँ पे आ चुका है और फिर मेरे हाथों मारना है इसको। आजा रफी ब्रो, फिर से आजा, तुम्हें यहाँ पे त्याग दिन न्याय दिन कर दूंगा यार यहाँ पे। लो भैया जी, भाई मैं मरने वाला हूँ क्या? अरे भाई कौन मरने वाला है यहाँ पे, भाई कौन मरने वाला है यहाँ पे यार? अबे भाई भाग रहा है बंदा यहाँ पे, और यहाँ पे इजीली मार दिया रफी ब्रो को। चलो ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया फिर से 10 पॉइंट लेने। आप उनको 10 पॉइंट लेना है मामूलो, समझ गया ना, 10 पॉइंट यहाँ पे ले लेंगा और इन सबको मार के इजीली 10 पॉइंट कलेक्ट कर लेंगा। उसके बाद अपन यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा था, मुझे पता नहीं यार मैं क्यों जा रहा था, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ जाना था बॉस, मैं नीचे की तरफ क्यों गया? फिर आधा रास्ते में मुझे याद आया कि ये बेस तो मैं तोड़ चुका हूँ, मुझे ऊपर वाला साइड का मतलब बेस पे जाना है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे 16 पॉइंट को प्लस कर दिया। चलो ये लो कर लो बाद। सो मैं यहाँ पे फिर रेजिकी को मारने के लिए चला आया। चलो भाई इस बार तू मेरे हाथ को मरेगा। पर रफी ब्रो को मैं फिर से डोमिनेट कर सकता था, क्योंकि रेजी आइस को मारने के लिए जा रहा है रफी ब्रो, मुझे पता है ये बात, वो इधर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से सेकेंड गलती ये कर लिया और रफी ब्रो इजीली बहुत ही तेजी नाल मार दिया रेजी आइस को। सो रेजी को मार लेते हैं हम लोग यहाँ पे और 20 पॉइंट यहाँ पे इजीली प्लस कर देंगे। चलो रेजी को मारने के बाद रेजी और अपन आए, हाय हाय हाय, चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, और इसी के साथ ये बेस भी तोड़ डाला। फिर मैं चला गया यहाँ पे रफी ब्रो के पास रफी ब्रो को धोने। रफी ब्रो अपन फिर से आ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास दो चांस था मैं यहाँ पे रफी ब्रो को इजीली डोमिनेट करूँ, पर यहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि इंस्टेंटली मुझे मैं नहीं सका। और यहाँ पे आने के बाद रफी ब्रो पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए भाई यार, लगता है वो बेस पे चले गए। कोई बात नहीं, जाने दो बेस पे, यहाँ पे अपन इन सबको मार के फिर से पॉइंट को मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट चाहिए यार गोल करने के लिए। लो भैया आ जाओ भैया जी, और मेरा बिगेस्ट मतलब गलती मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और दो गलती किया है मैंने, और वो दो गलती को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सेम तरह का गलती मैंने दो बार किया है, सो इसलिए ये दो गलती को मैंने एक ही पॉइंट पे रखा है, और दूसरा एंड तीसरा गलती को मैं एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं यार। यहाँ पे अभी यहाँ पे इन सबको मार के 5-5 पॉइंट ले लेंगे। लो भैया जी ले लो भैया जी, और यहाँ पे 5-5 पॉइंट कलेक्ट कर लिया। अभी मैं सोच रहा था रफी ब्रो गया किधर यार, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे बेस पे स्पॉन हो गया, बेस पे स्पॉन होकर डायरेक्टली मैं इस तरफ वाला बेस पे चला गया, और यहाँ पे देखो एंट्री के साथ साथ रफी ब्रो, और यहीं पे मैंने सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक किया है। आप लोग देखो मैंने रफी ब्रो का हेल्थ तो डाउन कर दिया, पर रफी ब्रो ने भी मेरा भाई आधा से ज्यादा हेल्थ खा गया, और यहाँ पे मुझे भागना चाहिए था पीछे की तरफ, रफी ब्रो के पास नहीं जाना चाहिए था, पर मैं यहाँ पे रफी ब्रो का पीछा कर रहा था। मैंने सोचा यार रफी ब्रो को मैं इजीली मार दूंगा, पर यही हो गया मेरा मेन गलती, और रफी ब्रो मुझे इजीली धो डाला। बंदे के पास यार 50 पॉइंट था, समझ गए ना, मुझे एक चांस भी मिला था, मैं पीछे हटूं। पोकेमोन यूनाइट एक ऐसा गेम है, आप अगर जानते हो आपको कब पीछे हटना है तब आप इजीली प्रो बन सकते हो इस गेम में, यही तो सबको नहीं आता। और देखो मैंने ये गलती कर दिया, मतलब पीछे ही नहीं हटा, और साथ साथ आप लोग दिख गए मेरे साथ क्या हो गया, मैं मतलब इजीली उसने कितना पॉइंट कर दिया। और यहाँ पे देखो अभी आ गया रेकुजा, और यहीं पे मेरा भाई तीसरा मेन गलती कर दिया मैंने। मैं क्या सोचा शायद से रफी ब्रो रेकुजा के तरफ नहीं जाएगा, रेकुजा को मारने के लिए नहीं जाएगा, और मैं इजीली यहाँ पे पॉइंट कलेक्ट कर रहा हूँ, पर मुझे साथ साथ देखना चाहिए था, वो रेकुजा को मार तो नहीं रहा, और यही हो गया मेरा सबसे मेन गलती यार, सबसे मेन गलती, समझ गए ना, यहाँ पे उसने रेकुजा को मार दिया। अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें गाइस, मैच जो मैनिपुलेट हुआ, मैंने जो गलती किया वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यार, समझ गए ना। और यहाँ पे बंदे ने इजीली गोल कर डाला, मैं यहाँ पे मतलब वेट भी कर रहा था, मैं यहाँ पे ट्राई भी कर रहा था बंदे को मैं मारूं, बंदे का शील्ड में तोड़ूं, पर रेकुजा शील्ड मतलब क्या बोलूं मैं,
उसके बाद मैं पीछे हट गया। पीछे हट के ना मैं सोचा यहाँ से सीधा झलंग लगा के आगे तरफ चला जाता हूँ और सेकंड वाला बेस की तरफ जाके इन सबको मार के सीधा पॉइंट कलेक्ट करूंगा और डायरेक्टली मतलब बेस को तोड़ दूंगा, क्योंकि रिकू जैसे उसको कितना ही पॉइंट मिला है, थोड़ा सा ही पॉइंट मिला ना, तो मैं वो पॉइंट कवर कर लूंगा। और यहाँ पे मैंने भाई एकदम मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मुझे इस गेम में ना और टाइम बिताना होगा जिससे मैं इस गेम को और ज़्यादा समझ सकूं और तब मैं इंस्टेंटली सोच सकता हूं कि अभी मुझे क्या करना है, समझ गए। मेरे पास भाई टोटल ना 4 बार था, मैं रफी ब्रो को इजीली डोमिनेट कर सकता था पर मैं नहीं किया यार, मतलब पता नहीं यार, मैं बोला ना इंस्टेंटली मेरे दिमाग में नहीं आता है ये सब, फिर मैं जब जाकर वीडियो को देखता हूँ मैं क्यों हारा, तब मुझे याद आता है अरे भाई ये तो कर सकता था मैं, तो इसलिए बोला गेम को खेलते रहना चाहिए। और मैं यहाँ पे देखो 25 सेकंड बाकी है, फिर मैं यहाँ पे गोल करने चला गया 50 पॉइंट लेके, पर ये तो मेरा मतलब बिगेस्ट गलती हो गया यार, क्योंकि रफी ब्रो तो अभी आ जाएगा, देखो यार वो ईजिली आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आते ही भाई 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 यूनिट मूव बेसिक अटैक भाई क्या क्या मार रहा है बे। चलो 8 सेकंड बाकी है, फिर मैं यहाँ पे 6 सेकंड में गोल करने चला आया। लो भाई कर लो बात, अगर मेरे पास इजेक्ट बटन की जगह ना एक गोल करने वाला वो होता ना, उसको क्या बोलते हैं बे, जो जिससे हम लोग इंस्टेंटली गोल कर सकते हैं, वो भी होता तो मुझे चल जाता। सो यहाँ पे हार चुका हूँ मैं और रफी ब्रो जीत चुका है। सो कोई बात नहीं गाइस, अपन खुद को इम्प्रूवमेंट लाएंगे, खुद पर इम्प्रूवमेंट लाएंगे यार। सो कैसा लगा मैच देख के नीचे एक बार कमेंट जरूर से करना, एंड इस तरह का अमेजिंग वीडियो देखने के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगला गेम प्ले में, बाय बाय।